हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जानेंगे नेशनल अवार्ड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ क्या है, और साथ ही साथ जो हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है IDPD, उसके विषय में भी डिस्कस कर लेंगे। कब मनाया जाता है, कौन मनाता है इसे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसे देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछले दिनों द हिंदू में खबर आई जिसका हेडिंग था अवार्ड फॉर तमिलनाडु फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटीज़। जो लोग भी डिजेबल हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उनके लिए एक अवार्ड दिया जा रहा है, और इसमें हमारा जो तमिलनाडु स्टेट है वो सबसे आगे है। उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है, तमिलनाडु स्टेट कर रही है, इसलिए उसे अवार्ड दिया गया है। तो हमारी न्यूज़ हमारे लिए कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्रीलिम्स लेवल पर, और साथ ही साथ मेंस में अगर हम देखें तो GS पेपर 2 हो या GS पेपर 1 हो, इसके कुछ पार्ट्स को ये न्यूज़ कवर करता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मे बी जब आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हो तो वहाँ पे इसको इसके कुछ डेटा वगैरह, कुछ फैक्ट वगैरह कोट कर सकें, या प्री में कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे आंसर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ में बताया गया है कि तमिलनाडु स्टेट को जो अवार्ड दिया गया है बेस्ट स्टेट के लिए, ताकि जितने भी डिजेबल लोग हैं, खास करके जो पर्सन विद डिजेबिलिटीज़ हैं, उन्हें एम्पावर करने के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रही है कौन, तमिलनाडु स्टेट। इसलिए इसे राष्ट्रपति जी द्वारा एक अवार्ड दिया गया है। तो आगे देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। देखिए, जो हमारा स्कीम है नेशनल अवार्ड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटीज़, ये कौन देता है, ये देता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। उसकी एक स्कीम है, सेंट्रल सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसी के तहत हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो स्कीम हमारा डेडिकेटेड उन लोगों के लिए है जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, अक्षम हैं, डिजेबल है। ऐसे में चाहे वो एम्प्लॉई हो या एम्प्लॉयर हो, दोनों ही कंडीशन में, या अगर आप खुद रोज़गार कर रहे हैं किसी के यहाँ, या कुछ अपना कुछ नया एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, या लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में उन्हें अवार्ड दिया जाता है, पुरस्कार वगैरह दिया जाता है। आगे देखते हैं ज़रा। तो ये नाम से ही क्लियर है स्कीम किसके लिए है, जो भी डिजेबल लोग हैं, जिनके साथ डिजेबिलिटीज जुड़ी हुई हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई वाला स्कीम हमने समझ लिया कि चाहे एम्प्लॉई हो या एम्प्लॉयर हो, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा जो बेहतर अपने क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे। हाल फिलहाल में आपने देखा ही होगा कि पैरालंपिक में हमारे जो नॉर्मल ओलंपिक है उससे ज़्यादा गोल्ड मेडल या मेडल जीते गए हैं। तो ऐसे में जो हमारे पर्सन विद डिजेबिलिटीज़ हैं, वो हाल फिलहाल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक ही जगह रीजन में, स्पोर्ट्स में देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप में देखिए, बहुत हर जगह आपको देखेंगे जो डिजेबल पर्सन होंगे, जो डिजेबिलिटी के साथ जन्मे होंगे या किसी कारण बट डिजेबल हो चुके होंगे, बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे देखिए क्या बताया गया है ज़रा। आगे हम ज़रा देख लेते हैं जो हमारा IDPD है, ये क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटीज़ क्या है और कौन मनाता है इसे। देखिए, हर साल 3 दिसंबर को, हाल फिलहाल में इस वीक में हमने देखा, पिछले दिनों ही 3 दिसंबर को ये हमारा इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी मनाई जाती है। कौन मनाता है ये पॉइंट है, ये यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, पूरे देश द्वारा, हर एक देशों द्वारा मनाया जाता है, WHO हो, IMF हो, हर जगह देखेंगे आप इसे मनाया जा रहा है। और इम्पॉर्टेंट है कब से मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है 1998 के टाइम से। तो 1998 से लेकर करंट का 2021 में भी हमने देखा कि ये हमारे इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी मनाई जा रही है। देखिए, इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट ये है कि हर साल किसी थीम के साथ मनाया जाता है। तो जो हमारा 2021 का थीम था उसे ज़रा देख लेते हैं। देखिए, 2021 का थीम है हमारा लीडरशिप एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी टुवार्ड्स एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड वर्ल्ड। जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड के बाद जो भी समस्याएं वगैरह हैं उनसे रिलेटेड हमारा इस साल का थीम है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। करंट अफेयर्स बाय फोरम IAS इज एन ऑल इन वन प्रोग्राम दैट कवर्स द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव। लास्ट ईयर वी हैव हेल्प्ड मोर देन 100 स्टूडेंट्स क्रैक IAS विद आवर करंट अफेयर्स क्लासेस।